भाजपा द्वारा देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सुंदरनगर के लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक राकेश जम्वाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडला अध्यक्ष प्रताप ठाकुर ने की। इस मौके पर विधायक राकेश जम्वाल द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और उपस्थित कार्यकर्ताओं को अटल बिहारी वाजपेयी की हिमाचल प्रेम और एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि देशभर में पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का देश के लिए एक अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में देश ने कई आयाम छुए हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में बन रही रोहतांग टनल का नाम अटल के नाम पर रखने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। राकेश जम्वाल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी हिमाचल प्रदेश को अपना घर मानते थे और लंबे समय तक उन्होंने हिमाचल में अपनी राजनीति के साथ बहुत समय बिताया है। आज देश के महान नेता रहे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर आज हम सब कार्यकर्ताओं ने उनको याद किया और उसके साथ साथ क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी हिमाचल को अपना घर मानते थे, हर वर्ष मनाली में यहाँ आते थे, यहाँ रहते थे और हिमाचल से उनको बहुत लगाव रहा है। और आज हम धन्यवाद करना चाहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, उनकी कैबिनेट का, कि भारत सरकार ने ये फैसला लिया है जो रोहतांग टनल आज बनकर तैयार हो रही है उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया। इसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं।